अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो 22 अगस्त से PCCC लागू होने वाला है, क्या ये सच में लागू हो जाएगा या फिर पहले जैसा फिर से ये बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी दो बार इसको लागू होने की उम्मीद थी लेकिन लागू नहीं हुआ था। क्या इस बार कन्फर्म न्यूज है कि लागू होगा कि नहीं होगा? और लागू होगा तो फिर आप कैसे इसको कर पाएंगे, PCCC कैसे करेंगे, सारा डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। और अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें। चलिए अभी आपको बताते हैं कि क्या सच में PCCC सऊदी का जो PCCC है वो 22 अगस्त से चालू होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो मैं आपको बताते चलूँ कि पहले भी दो बार ऐसा हो चुका है, दो बार ऐसे न्यूज़ आ चुकी है, अभी कन्फर्म न्यूज़ आ चुकी है कि पहले की PCCC लागू होने वाला है सऊदी अरब के लिए, जो भी मुंबई का जो वीज़ा होता है, क्योंकि दिल्ली का वीज़ा में तो ऑलरेडी लगता है पहले से भी चालू है कि दिल्ली के जितने भी वीज़ा आते हैं दिल्ली सऊदी अरब का, उसमें सब में PCCC होता है, लेकिन मुंबई फ़िलहाल नहीं हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो खबर निकल कर आ रही है, इसमें यह बताया जा रहा है कि 22 अगस्त से PCCC लागू होने वाला है। तो क्या ये सच में लागू होने वाला, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, लागू होते होते भी किसी रीजन की वजह से फिर लागू नहीं हुआ मुंबई के लिए, लेकिन क्या इस बार पक्का न्यूज़ है कि लगेगा? तो भाई इस बारे में मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे खबर निकाले, इसमें सब के सब यही खबर कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भाई 22 तारीख से बिल्कुल कन्फर्म न्यूज़ है कि 22 तारीख के बाद आपका बगैर PCCC के सऊदी अरब का वीज़ा स्टंपिंग नहीं होगा, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे मुंबई का हो, क्योंकि दिल्ली का तो पहले वैसे लगता, लेकिन मुंबई का बगैर PCCC के स्टंप हो जाता था। लेकिन फिलहाल अभी एक न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म है कि हो कि 22 तारीख से आपका PCCC लाजिम में ज़रूर लगेगा, लगेगा तो लगेगा। लेकिन ये भी थोड़ा भरोसा कहीं भी होता है कि क्या हो सकता है कि पहले जैसा फिर से, जैसे दो बार चालू होते होते फिर बंद हो गया, क्या इस बार भी बंद हो जाएगा? हो सकता है कि कुछ डेट आगे बढ़ जाए या कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये तो कंफर्म है कि आपका PCCC लगेगा तो लगेगा, जरूर लगेगा इस बार। लेकिन बहुत सारे एजेंट ऐसे भी हैं जो बगैर PCCC के भी वीज़ा स्टम्प करवा देते हैं। अगर ऐसा किसी एजेंट के पास से अगर आपको चाहिए उनका नंबर चाहिए तो बोलिएगा, तो मैं कमेंट कीजिएगा, मैं उनका नंबर दे दूँगा, फिर आपको वकाला वहाँ पर कराना होगा, वकाला उनके यहाँ पर कराएंगे तो आपको बगैर PCCC के भी वीज़ा स्टम्प हो जाएगा, क्योंकि उसका कुछ चार्ज लगता है लेकिन PCCC नहीं कराना पड़ेगा आपका, ठीक है ना? अगर आप कैसे एजेंट का नंबर चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से वकाला करा के अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन अभी अगर मुंबई का अगर कराने की सोच रहे हैं, मुंबई का वीज़ा, मुंबई में अगर वीज़ा भेज रहे हैं आप सऊदी का, तो मान के चलिए कि आपका PCCC लाजमी ज़रूर लगेगा, अगर 22 तारीख से पहले पहले आपका वीज़ा स्टम्प नहीं हुआ तो। अगर 22 तारीख तक वीज़ा स्टम्प हो गया तब तो ठीक है, अगर 22 तारीख तक आपका वीज़ा स्टंप नहीं हुआ तो मुंबई के लिए भी आपका सऊदी का वीज़ा बगैर बिना PCCC के स्टंप नहीं होने वाला। इस बात का ध्यान रखें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। अगर कोशिश करें कि अभी तो टाइम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, आज 19 तारीख हो गया, अभी तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई अपना वीज़ा स्टंप करवा ले 22 तारीख से पहले पहले। जिनका पहले वकाला हो चुका है 10 दिन 12 दिन 1 हफ्ता 2 4 दिन पहले, उनका शायद हो सकता है कि 22 तारीख से पहले पहले स्टंप हो जाए, लेकिन बाकियों का तो फिलहाल अभी उम्मीद नहीं है कि 22 तारीख से पहले पहले उनका वीज़ा स्टंप हो जाए, तो उनको PCCC कराना पड़ेगा। और PCCC कैसे कराएंगे? PCCC कराने के लिए बिल्कुल सरल तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। PCCC कैसे करते हैं इसका वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, इसमें कोई खर्चे नहीं आएंगे, बस 500 रुपये जो उसका फीस लगता है बस वही फीस लगेगा, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। अब मैं इसका वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। फिर वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, जरूर पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।